मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है। 40 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल का दौरा पड़ने की वजह से वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। जैसे ही ये खबर मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर आई, उनके फैंस बौखला गए। अलग अलग तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से इतना टैलेंटेड स्टार ऐसे कैसे दुनिया को अलविदा कहकर जा सकता है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में मुंबई पुलिस पहुंची है सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर, ये खबर मिल रही है। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और अब खबर ये भी सामने आई है कि सिद्धार्थ के परिवार से मुलाकात की है मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने। और इस दौरान जब पूछा गया कि क्या सिर्फ प्रेशर में वो थे या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से हमको जांच को आगे बढ़ाना चाहिए, तो इस पर परिवार वालों की तरफ से कहा गया है कोई भी फाउल प्ले नहीं है, वो थोड़ा सा प्रेशर में थे और ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वही सही हैं। कुछ भी जिस भी तरह की खबरें आ रही हैं इन पर यकीन ना किया जाए। परिवार वालों की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी अफवाहें सिद्धार्थ को लेकर फैलाई जा रही हैं इन सब पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के गम से अभी उबरने की कोशिश कर रही हैं, ये सदमा वो झेल नहीं पा रही हैं और फिर उनसे जुड़ी जब इस तरह की खबरें आ रही हैं तो वो हमें परेशान कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि परिवार ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों को ये सारी बातें कही हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस भी अब जल्द ही कोई ना कोई बयान जारी कर सकती है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। इस निधन की खबर को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से ये जो मौत की खबर सामने आई है सिद्धार्थ की, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अचानक से ऐसा नहीं हो सकता और इसकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि लोग तरह तरह के ट्वीट्स कर रही हैं। इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया जा रहा है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो रोते हुए अपने वीडियोस साझा कर रही हैं, कह रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला बस एक बार आप जाग जाइए, आप ट्वीट कर दीजिए, आप पोस्ट कर दीजिए, आप किसी भी तरीके से बस एक कहीं ना कहीं से जानकारी दे दीजिए कि ये सारी खबरें झूठी हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद किस कदर गम में हैं। खैर, फिलहाल खबर की बात आपसे कर लेते हैं। मुंबई पुलिस सिद्धार्थ के घर पर पहुंची है। जो भी अपडेट इस मामले पर आती रहेगी या फिर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान अगर आता है, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।